करते हैं, टाटा मोटर्स पर फोकस डालते हैं। याद रखें आज के ट्रेडिंग सेशन में भी कई स्टॉक फोकस में था। दिन के एंड तक देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखी, लेकिन याद रखें कंपनी ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं 1 जुलाई से। इसके अलावा कंपनी की जो सब्सिडरी है JLR, उसका भी कंपनी ने गाइडेंस दिया अगले कुछ सालों के लिए, जिसके चलते स्टॉक पर फोकस रहा। टाटा मोटर्स पर मनोज चौधरी ने अपना सवाल भेजा है। उनके पास करीब 206 शेयर है जो उन्होंने 956 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे। थोड़ा सा प्रॉफिट है इस पोजीशन पर, लेकिन फंडामेंटल्स पर देखें तो टाटा मोटर्स की पोजीशनिंग कैसी है ये जान लेते हैं। महेश, आपसे पूछना चाहूंगी, ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स पर क्या राय बनेगी? नहीं, डेफिनेटली टाटा मोटर एक अच्छी कंपनी है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन साइड चलते रहता है, लेकिन अगर इनका नजरिया एक थोड़ा सा भी अगर लॉन्ग टर्म है, 9 to 12 month है, तो 1150 से 1200 तक के लेवल जो है अपने को टाटा मोटर में देखने को मिल सकते हैं। ये अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर इनको 9:30, 9:28 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो थोड़ा सा इनको 880 का एक स्टॉप लॉस रखे, 1150 से 1200 तक के लेवल जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से होल्ड की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पर होल्ड की सलाह, 1150 से 1200 तक के लेवल्स टाटा मोटर्स पर दिखाई दे सकते हैं। रितेश पटेल ने NHPC पर अपना सवाल भेजा है।